अगला राज्य अब जिसका आंकड़ा हम आपको दिखाने वाले हैं। 87 जब से राज्य बना तब से यहाँ पर लड़ाई जो है वो आर पार की रही, दो दलों के बीच रही, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है क्योंकि नई पार्टी ZPM की एंट्री हुई है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ मिजोरम। जानते हैं मिजोरम के ओपिनियन पोल का आंकड़ा, लेकर चलते हैं आपको डेटा सेंटर अखिलेश के पास। बहुत खूबसूरत राज्य है मिजोरम, आप देख रहे हैं जिस झरने के सामने मैं खड़ा हूं, खाओ पॉप इस झरने का नाम है, बहुत ही मशहूर है, देश भर से पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पर आते हैं। आसपास मनोरम दृश्य है, हरियाली है, उसका लुत्फ उठाने के लिए लोग यहां पर आते हैं। और यहीं से अब मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं और जरा गौर फरमाइए, मिजोरम में 40 जो विधानसभा की सीटें हैं, MNF के खाते में 35% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस 30% वोट के साथ नंबर 2 पर, और ZPM 26% वोट इनके खाते में जा रहा है, और अन्य की बात की जाए तो 9%। लेकिन जब हम इसे सीटों में कन्वर्ट करेंगे तब क्या होगा वो जरा देखिए, किसकी सरकार बनती हुई मिजोरम में नजर आ रही है। ये रहा आपके सामने आंकड़ा, MNF 17 से 21, कांग्रेस 6 से 10, ZPM 10 से 14, अन्य 0 से 2। यानी बड़ी तस्वीर यह है कि यहां पर साफ तौर पर मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार बनती हुई नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक। रोमाना, बहुत महत्वपूर्ण यह आंकड़ा इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री मिजोरम में जोराम थंगा और उन्हीं पर MNF को दोबारा से सत्ता में लाने की चुनौती, जीत का दारोमदार पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के कंधों पर, और इस वक्त MNF जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बहुमत वाला जादुई आंकड़ा 21 छूती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के आंकड़े में दिबंग। लेकिन फिर भी मामला खुला हुआ क्योंकि ZPM और कांग्रेस, अगर जरा भी मामला इधर उधर होता है तो फिर जीत की चाबी कांग्रेस के हाथ में आती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है, जो आंकड़े हैं वो तो यही कहते हैं। देखिए, जो मणिपुर में हिंसा हुई उसमें जो कुकी समुदाय है उनके लिए बहुत सिंपैथी है यहाँ पर, और एक और बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा यहाँ पर है, जिस तरह से म्यांमार से चीन शरणार्थी आते हैं, और बल्कि यहाँ से कहा गया था केंद्र से कि शरणार्थियों का बायोमेट्रिक आंकड़ा भी जुटाएं, लेकिन राज्य सरकार ने उसको नहीं माना, वो नहीं जुटा रही है उसका, ये एक बड़ा वहाँ पर मुद्दा है। और एक और मुद्दा है जिसकी बहुत अच्छा चर्चा नहीं होती, और चर्चा नहीं होती राजस्थान में, चर्चा नहीं होती छत्तीसगढ़ में भी, वो मुद्दा है UCC का मुद्दा। UCC के मुद्दे को लेकर वहाँ ट्राइबल्स में बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन है वहाँ पर, वो एक भार पड़ेगा। लेकिन किरण रिजिजू जो गए थे और उनका ये कहना है कि BJP का आंकड़ा इस बार मिजोरम में सुधरेगा भी, तो सभी तरह की बात। मैं जल्दी से जरा सुजाता जी का रुख कर लेती हूँ, और वो जो दिबांग की तरफ से यूसीसी वाले मुद्दे का जिक्र किया जा रहा था, इस रूप से समझिए 40 सीटें हैं वहां पर जिसमें से 39 रिजर्व्ड हैं ST के लिए। मैं जल्दी से सुजाता जी का रुख करती हूँ। सुजाता जी, ऐसा क्यों हो रहा है, कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है, और एक नए फोर्स के तौर पर ZPM वहां पर कांग्रेस की जगह लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, जहां तक मिजोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि ZPM का सवाल है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक एंट्री के पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करी जा रही है। इससे आंकड़े भले ही कुछ भी कह रहे हो, लेकिन वहां की जनता जानती है कि उनके असली मुद्दे जो है वो है 371 और UCC, और UCC वहां लागू नहीं होगा तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी को समझाने की जरूरत है। जो भी पार्टी इसमें जाएगी, आप ये समझ लीजिए कि वो लोगों के सामने ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। और दूसरी बात, जब हम 371 की बात करते हैं तो किरण रिजिजू ने जाके वहां पर ये भी कहा है कि 371 नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि जनता इस बात को समझ रही है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। और MNF का जो रुख है वो भी लोगों ने देख लिया है, बहुत लंबे समय से हो रहे हैं, और जनता जानती है कि चलिए अब इन दावों का ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 7 नवंबर को मिजोरम में वोटिंग होनी है, इंतजार कर लेते हैं, फिर 3 दिसंबर सबसे तेज नतीजे भी आप यहीं ABP न्यूज पर हमारे साथ ही देखेंगे, और सबसे सटीक विश्लेषण भी यहीं पर ऐसे ही एक्सपर्ट पैनल के साथ देखेंगे। फिलहाल राजनीतिक मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।